हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शाही पनीर की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जो कोई फर्स्ट बार भी अगर इसे बना रहा होगा तो इसे बहुत ही आसानी से बना लेगा, और ये देखने में जितनी टेस्टी लग रही है खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें एक बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे हमारा तेल गर्म हो जाता है, हम उसमें पनीर के पीसेस कट करके डाल देंगे और उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पनीरों को हमको चम्मच की सहायता से पलटते हुए चारों तरफ से अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए, हमारे पनीर अब अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। अब हम फिर से कढ़ाई लेंगे, उसमें एक बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम उसमें 2 से 3 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च, 1 तेज पत्ता, 2 हरी इलायची और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और इसे पकने देंगे। उसके बाद हमने 3 प्याज लिए हैं बड़े, जिन्हें कट करके डाल दिया है, और 3 हरी मिर्च जिन्हें भी कट करके डाल दिया है, और 3-4 लहसुन की कलियाँ, 3 से 4 अदरक के पीसेस कट करके डाल देंगे। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करते हुए पकने के लिए रख देंगे। और इसी के साथ हमने 7 से 8 काजू ली है, जिनके टुकड़े करके इसमें डाल देंगे। इसको भी इसमें सब अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब दूसरी साइड हम एक कटोरी में लेंगे, उसमें 1 कटोरी दही डालेंगे, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच गरम मसाला डालते हुए इन सबको दही में अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, दही में सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसे कढ़ाई में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इन्हें अच्छे से पकने देंगे 1 से 2 मिनट तक। अब इसमें 2 बड़े टमाटर कट करके डाल देंगे और टमाटरों को भी इसमें अच्छे से मिक्स करते हुए पकने देंगे। जिस कटोरी में हमने दही का मसाला बनाया था उसमें थोड़ा पानी डालकर अब उस पानी को इसमें डाल देंगे और इसको पानी को मिलाते हुए अच्छे से इसको पकने देंगे। ये देखिए, हमारा मसाला अब अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब मसाला ठंडा हो जाए उसके बाद हम मिक्सर का जार लेंगे, उसमें हमारे मसाले को डालकर पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा मसाला पीस चुका है। हमें कुछ इस तरीके से इसे पीसना है। अब हम फिर से एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में वही 1 चम्मच तेल डालकर उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाए हम उसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को भी अच्छे से पकने देंगे। जैसे हमारा जीरा पक जाता है, हमने जो मसाला पीसा था उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए मिक्स करते रहना है, नहीं तो वो एकदम से जल ना जाए, क्योंकि हमारा तेल गर्म है। इसलिए हमें उसे पहले मिक्स कर देना है, फिर बाकी मसाले को डाल देना है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, हमारे मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे धीमी आंच पर पकाते रहना है। हमें तब तक पकाना है जब तक ये कढ़ाई से खुद से ही छोड़ने ना लगे। जैसे देखिए, अब कढ़ाई से ये खुद से ही अलग होने लग गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपको अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, जिसमें मैंने 1/2 कटोरी पानी डाला है। अब इस पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी आप अपने अनुसार डाल दीजिए, जितना आपको इसे पतला करना है, और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकने देंगे धीमी आंच पर। ये देखिए, हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें पनीर जो हमने फ्राई किया था उसे डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पनीर को डालने के बाद भी थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए, हमारी सब्जी अब अच्छे से पक चुकी है, ये बनकर रेडी है। अब हम इसे एक बाहर बर्तन में निकाल लेंगे
और इस तरीके से धनिए की पत्ती के साथ हम इसे सर्व कर देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरीके से मैं आपके लिए रेसिपीज लाती रहूँ।